वो कहते हैं कि जी किसी भी सोसाइटी को देखा देख लें किसी भी कल्चर को देख लें कभी भी वो सेम नहीं रह सकता डिपेंड करता है कि अगर उसमें टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो बहुत तेजी से मूव करेगा अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो वो स्लोली मूव करेगा लेकिन कोई भी सोसाइटी हो कोई भी कल्चर हो वो चेंज करता है वहां पर चेंज हमेशा आता है हाउ कल्चर चेंजेस कल्चर चेंज होते हैं जी इन्वेंशन uh, की बेस पर इनोवेशनस की बेस पर और डिफ्यूजन्स की बेस पर अब हम इन्हें बारी बारी देख लेते हैं इन्वेंशन कहा जाता है कि जी अनइंटेंशनल भी हो जाती हैं कभी इंटेंशनल भी होती हैं इंटेंशनल ये होती हैं कि अगर कोई सोचे समझे और देखे कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में काम करना चाहिए और फिर वो कुछ इन्वेंट करे तो वो इनोवेश इन्वेंशन है और इनोवेश सॉरी इनोवेशन की बात नहीं हो रही अभी <laughs> और अन इंटेंशनल इज़ लाइक नेसेसिटी ऑफ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन के अगर कोई बहुत जरूरत पड़ गई है किसी चीज की वक्त ही उन्होंने कोई चीज तैयार की वो किसी चीज में कन्वर्ट हो गई उससे किसी चीज में कन्वर्ट हो गई इस तरह मतलब वो इंटेंशनली उसके बारे में सोचकर वो चीज तैयार नहीं की जाती वो हो जाती है बस किसी तरह ठीक है और आपके पास जो इनोवेशन होता है वो ये होता है कि जो एक्सिस्टिंग चीज है जो बन गई है उसको मजीद अच्छा बेहतर करना इज इनोवेशन ठीक है तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये हमेशा एग्जामिन किया है इनके एक स्टडी के मुताबिक जो आपके आपके इन्वेंटर्स हैं या इनोवेटर्स हैं ये बड़ी सौखी पर्सनालिटीज होती हैं मतलब वेल ऑफ होते हैं सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से ये लोग बिलोंग करते हैं डिफ्यूजन क्या होता है जी कल्चरल डिफ्यूजन इज़ लाइक ए जब कोई डिफ्यूजन मतलब दो कल्चर्स आपस में साथ रहते हैं तो वो रेस्पेरॉसिटी की बेसिस पर वो दोनों डिफ्यूज होते हैं मतलब एक कल्चर दूसरे कल्चर से चीजें सीखता है दूसरा कल्चर पहले कल्चर से चीजें सीखता है जिसमें यहाँ पर इन्होंने बड़ी मज़े की एग्जाम्पल दी हुई हैं, कि जैसे कि हम अगर चाइनीज पाकिस्तान का चाइनीज फूड खा लेना तो उनकी हंसी निकल जाए क्योंकि हम उनके चाइनीज फूड को बिल्कुल भी नहीं फॉलो करते हमने अपना ही जो है ना मिर्च मसाले वाला चाइनीज बना दिया हुआ है हमने आ, 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 हमारे यहाँ सीख कबाब वाला पिज्जा होता है हमारे यहाँ चिकन बारबेक्यू पिज्जा होता है तो मतलब यह है कि हमने उनकी टर्म उठाई और उसमें हमने अपना टेस्ट और फ्लेवर ऐड कर दिया क्योंकि अगर हम वहा टर्म्स वाला चाइनीज या वहां की टर्म्स वाला पिज्जा यहाँ पर बनाएंगे तो वो कभी भी हमारे कल्चर हमारी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे तो उनकी चीज है हमारी चीज में आई हमारी चीज से मिली एक नई चीज बन So that is basically diffusion. तो तो तक हो गया जी हमारा lecture number 22 तमाम आसान सा 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 मासूमाना छोटा था ये और एक दो टर्म्स ही हैं इसमें जो याद करने वाली हैं तो उन्हें आप देख लीजिएगा क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर की चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में mention कर सकते हैं चला मिलेंगे वीडियो के साथ